हेलो एवरीवन, आज है 26 मई और हम जा रहे हैं बाबा नेव करौली के दर्शन करने के लिए। देखिए ये रास्ता, पहुंचने वाले ही हैं 10-15 मिनट में। आज संडे है, काफी जाम था, काफी ट्रैफिक है। की छुट्टियां हो गई है, सभी भाग रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, फिर आपको भी दर्शन कराएंगे बाबा नेव करौली जी के। ये देखिए व्यू, देखिए कितना अच्छा व्यू है। दोपहर का टाइम है, फिर भी इतनी गर्मी नहीं है जितनी दिल्ली में है। अच्छा मौसम है, ठंडी हवा है। दिन में गर्मी हो जाती है पहाड़ों में भी, लेकिन दिल्ली जितनी नहीं। दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, इस टाइम निकल ही नहीं सकते। ये व्यू देखिए, वहाँ अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं है, बस बाहर से दर्शन कर सकते हैं मंदिर के, बाहर से कराएंगे आपको। ये पहाड़ों के नज़ारे लीजिए, पहले भी आए थे, अभी साल भर भी नहीं हुआ है, फिर से बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा था। दिसंबर में आए थे, अब मई में, पहले ठंड का मजा लिया था, अब गर्मी का। सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है बाबा के दर्शन करके, इसलिए फिर से बाबा ने बुला लिया है। जब हम दिसंबर में आए थे उस टाइम पे स्कूल की छुट्टियां नहीं हुई थी, तो इतनी भीड़ नहीं थी, इतना ट्रैफिक नहीं था। अभी बच्चों की छुट्टियां हो गई तो काफी ट्रैफिक मिल रहा है। तो मौसम अच्छा है, मौसम सुहावना है, बिल्कुल गर्मी नहीं लगी। तो गाड़ी में एसी है, लेकिन बीच में बंद भी कर रहे हैं तो गर्मी नहीं लग रही। तभी तो हमने खिड़कियां खोल रखी हैं, बड़ा मजा आ रहा है। Driver's up.
देखी पहाड़ों के नजारे, हिल एरिया, बड़ा मजा आ रहा है। मौसम बहुत अच्छा है। अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं, लेकिन देखिए धूप का बिल्कुल नाम निशान नहीं है, से बादल से ठंडी हवा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, कैंची धाम है 11 किलोमीटर बोर्ड पे। आ चुके हैं, मंदिर पहुंचने वाले हैं। तो मंदिर का नाम बाबा नील करोली बाबा के स्थान से। ये देखिए रास्ता, ये थोड़ा नीचे जाके है। पीछे से तो दिख रहा था, नीचे से दिखेगा। पार्किंग कैसे भरी हुई है बिल्कुल। कैंची धाम पार्किंग, यहाँ से पार्क करके और फिर मंदिर की तरफ जाएंगे। वहाँ पे कैमरा तो अलाउड नहीं है, फोटो पे खींच सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते। तो चलो उतर गए, ठीक है, प्रसाद ले लो। ये देखिए कैंची धाम मंदिर, बाबा नीव करोली जी के धाम। काफी भीड़ है, थैंक यू।